Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। सोलन पुलिस को नशे के काले कारोबार पर अंकुश लगाते हुए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने सोलन में चिट्टा सप्लाई करने को लेकर दिल्ली से नाइजीरियन नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कामयाबी पुलिस को स्थानीय नशा सप्लायर को पकड़कर उसकी फोन डिटेल के आधार पर मिली थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुछ दिन पहले धर्मपुर के मडोधार में एक व्यक्ति से 30.1 ग्राम हीरोइन बरामद की थी, जिस पर NDRF एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया था। जांच के दौरान पाया कि ये व्यक्ति एक निजी स्कूल में मैथ का अध्यापक था। तो उसके फोन डिटेल के आधार पर पुलिस ने दिल्ली से एक नाइजीरियन मोबिन अमांडे को नशा सप्लाई करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ये नाइजीरियन चिट्टे लेने का आदी है और नशा न मिलने की हालत में आज उसने अपने चेहरे को चोटिल कर लिया, जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा सोलन हॉस्पिटल ले जाया गया है। अट्ठाईस मार्च को हमारे SHO धर्मपुर अपनी टीम के साथ इवनिंग के टाइम जब गश्त पे थे, तो जब ये टीम हमारी मांडोधार के पास पहुंची तो वहाँ पे एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देख के भागने लगा। इसको जो भी साथ में एम्प्लॉइज थे SHO के साथ, उनकी हेल्प से काबू किया गया। तो इसके पास एक कैरी बैग था इस व्यक्ति के पास, और उस कैरी बैग को जब चेक किया गया तो उस कैरी बैग में इसके पास 30.1 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछने पे इस व्यक्ति ने अपना नाम नितिन शर्मा बताया। ये सनावर का रहने वाला है। इसके वर्जन के अनुसार ये किसी निजी स्कूल में कैजुअल फॉर्म में टीचिंग करता है, और इसके वर्जन के अनुसार ये मैथमेटिक्स का टीचर है, और इस व्यक्ति को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। फर्दर ये इसको पुलिस रिमांड पर लिया गया था और इससे पूछताछ जो है वो चल रही है। इस पे जो ये मटेरियल लाया था, इसके बारे में जब पूछताछ की गई तो इसने एक व्यक्ति है जिस इसने बताया कि दिल्ली से ये लाया है और एक नाइजीरियन है इसके वर्जन के अनुसार उसे ये खरीद के लाया है। इस पे हमारी टीम दिल्ली गई थी और एक नाइजीरियन जो इसकी कॉल डिटेल वगैरह एनालाइज की थी, उसकी हेल्प से एक व्यक्ति है, ये भी नाइजीरिया मूल का है, इसका नाम गोविंद अमाडे है, इसको गिरफ्तार करके पिछले कल हमारी टीम लाई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।